सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालत को धन उपलब्ध कराने में ढुलमुल रवैये को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सीजेआई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मुद्दे पर मंगलवार को बैठक बुलाने को कहा। सीजेआई की 3 सदस्यीय पीठ ने पूछा कि क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है, आप दिल्ली हाईकोर्ट को कोई फंड क्यों नहीं दे रहे, हम बृहस्पतिवार तक इसकी मंजूरी चाहते हैं, ये एक मॉडल हाईकोर्ट है और हालत देखिए इसकी कि जजों की ट्रेनिंग हो रही है और कोई अदालत कक्ष नहीं है उनके काम करने के लिए। हाईकोर्ट में अपर्याप्त सुविधाओं बनी समस्या शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि अभियोजकों और जजों को हाईकोर्ट में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहर की जिला न्यायपालिका में 887 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 813 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं। न्यायिक अधिकारियों के लिए 118 अदालत कक्षों और आवासीय क्वार्टर की भी कमी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली जिला न्यायपालिका की मांगों को पूरा करने में दिल्ली सरकार के उदासीन रवैये के लिए हमें कोई कारण या औचित्य नहीं मिलता है। हम दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाने का निर्देश देते हैं। नई दिल्ली से कानू सारदा, दिल्ली तक के लिए।